नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। और पंजाब के रोपड़ से पहले बात करते हैं। यहाँ की कीरतपुर साहब में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की कार का उनके किसान विरोधी बयानों को लेकर रोका। कंगना अपनी सिक्योरिटी के साथ वहां पर थी और कार को लेकर किसानों के जो बयान थे उसको किसान चाहते थे कि वो माफी मांगे। और कुछ समय के लिए हालात तनावपूर्ण हो गए, लेकिन बाद में सब संभल गया। कंगना को आगे निकलने दिया गया है। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद गजाली, क्या क्या हुआ जरा बताइए, और क्या कंगना ने माफी मांगी या क्या हुआ? जी देखिए, कंगना मनाली से आगे का रास्ता तय कर रही थी क्योंकि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी, जैसा कि उन्होंने वीडियो अपने इंस्टा पेज पे डाल के बताया है। और जब वो यहाँ से निकल रही थी मनाली से, तो रास्ते में ही पंजाब का रोपड़ ज़िला आता है, जहाँ पर कीरतपुर साहिब एक शहर है। वहाँ पर किसानों ने और प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया जब वो अपनी सिक्योरिटी के साथ थीं। और वहाँ पर महिला किसान भी थी, महिला प्रदर्शनकारी भी थी, जिन्होंने गाड़ी को घेरा हुआ था। इसी बीच कंगना जो हैं अपने वो लाइव हो जाती हैं और वहाँ का पूरा हाल बयां करती हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब भीड़ ज़्यादा बढ़ती है, महिलाएँ वहाँ पर नारे लगा रही होती हैं, उसके बाद जो है पुलिस के इंटरवेंशन से कंगना रनौत और वहां पर की महिला प्रदर्शनकारियों के बीच में बातचीत होती है। और वही सवाल होता है कि जो कंगना के विवादित बयान हैं किसान आंदोलन को लेकर या पंजाब को लेकर या किसानों को लेकर, और उस पर कंगना का एक बयान साफ उसमें सुनाई देता है कि वो शाहीन बाग के बारे में ऐसा कह रही थी और उनका इरादा पंजाब या पंजाब के प्रदर्शनकारी या किसानों के ऊपर उनके ये बयान नहीं दिए गए थे। और उसके बाद थोड़ी देर के बातचीत के बाद उनकी गाड़ी को वहां पर से जाने दिया जाता है। और उसके बाद भी कंगना जो है अपनी वीडियो में, जो उन्होंने वीडियो लाइव करके बनाया था, वहां पर वो बता रही होती हैं कि कैसे माहौल मॉब लिंचिंग का बन गया और कैसे वो लिंच हो जाती हैं। और बाद में वो पंजाब पुलिस और सीआरपीएफ को इसका शुक्रिया भी अदा करती हैं कि कैसे उनको वहां से सेफली बचाकर बाहर या वहां से जाने की इजाजत दे दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि पंजाब में चाहे अक्षय कुमार हों या दूसरे बॉलीवुड स्टार्स हों, उनके मूवीज़ की स्क्रीनिंग हो या शूटिंग हो, उसको लेकर यहाँ के किसान जो हैं वो ज़रूर विरोध प्रदर्शन करते हैं कि क्यों ऐसे नामी ग्रामी लोग किसानों के आंदोलन के वक्त उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे या उनके साथ नहीं दिख रहे थे। बिल्कुल गजाली, ये क्या कुछ क्लैरिफाई हो पाया, क्योंकि आपको जो ये वीडियो कंगना ने डाला है वो धन्यवाद कर रही है पंजाब पुलिस का, और फिर वो निकल चुकी हैं आगे, लेकिन वो बातचीत हो रही है। कुछ समय था ऐसा जब तनातनी काफ़ी हो गई थी, वो फंसी हुई थी और जो किसान महिला किसान नेता थे वो लोग भी अपनी मांग कर रहे थे कि माफ़ी मांगिए। उस दौरान क्या हुआ, क्या वो कुछ सामने आया? जी देखिए, वो पंजाबी में औरतें उनको यही कह रही हैं कि तुम हमारी बच्ची की तरह हो, और कंगना भी उसी बात को दोहरा रही हैं कि मैं भी आपकी बेटी की तरह हूं। मैं आप लोगों को ये बयान नहीं, मेरा जो भी बयान पीछे आया है पहले मैंने दिया है, वो आप लोगों के लिए नहीं था, मैं भी यहीं की बच्ची हूँ, यहीं की पली बड़ी हूँ। और ऐसी ही बातें कहते हुए वो ये बात कहती भी हैं कि वो शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के बारे में उनका बयान था, जिसके बाद थोड़ी देर बाद पुलिस के इंटरवेंशन से लोकल लोगों के दखल देने की वजह से वहां पर माहौल को ठंडा किया गया और उसके बाद उन्हें वहां से जाने दिया गया। बिल्कुल दुरुस्त, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मोहम्मद गजाली। और वहां पे एक जो किसान मौजूद थे उनका क्या कहना है, ये सुना देते हैं। रनौत ओ जनानी है जेडी के बॉम्बे दे महलां विच बैठ के बीजेपी दे बोली, बीजेपी दी शहदे उते किसानां नूं बहुत माड़ा बोलिया, जिथे कि इन्हें इत्थों तक भी बोलिया कि इन्हां नूं मच्छरां वांग कुचल देना चाहीदा। तो बीजेपी के नेता मंजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ मौजूद हैं। सिरसा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। रोपड़ में आपने तस्वीरें देखी आज, किस तरह से यहाँ पर स्थिति बनी है, किस तरह से आप देखते हैं? महिला किसान नेता कंगना रनौत जो अभिनेत्री हैं उनसे चाह रही थी कि माफी मांगे, आप इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं, क्या आंकलन है आपका इसका? देखिए, दो एक कलाकार हैं, उनको अपने काम में दखलंदाजी देनी चाहिए। ये जिस तरह से उन्होंने पिछले समय में सिखों के प्रति अपनी भावना व्यक्त की वो गलत है। कोई आप ये कल्पना भी कैसे कर सकता है, कोई इंसान सोच भी कैसे सकता है कि तुम ये कहो इनको पैरों के नीचे कुचला गया, मच्छरों की तरह कुचला गया। कभी ये कहना कि ये 100-100 रुपए 200-200 रुपए पे बिकाऊ औरतें लाके वहां खड़ी की हैं। आखिरकार वो हमारी माताएं बहनें हैं और लंबे समय से उन्होंने किसान संघर्ष में साथ दिया, उन्हीं के कारण ही ये जीत संभव हुई। और देश के प्रधानमंत्री ने बड़े ही निम्रतापूर्ण ये तीनों किसानों बिल को रद्द करने का काम किया। पहले हमें ये सब समझना चाहिए कि जब भी हम इसके खिलाफ कुछ बोलते हैं
तो वो प्रधानमंत्री जी की जो कुर्सी है उसकी गरिमा को भी छोट करते हैं, क्योंकि इन बिलों को प्रधानमंत्री जी ने खुद रद्द किया है और गुरु नानक देव जी के प्रकाश गुरु के निमित्त उनको समर्पित होके किया। तो ऐसे में इस तरह की जो उन्होंने दखलंदाजी की और इस तरह की बयानबाजी की इतनी आहत करने वाली थी कि देश और दुनिया भर के सिख से आहत हुए। मुकदमा मैंने जाके बॉम्बे में दर्ज कराया और उस मुकदमे को भी परस्यू करेंगे। और आज जो मुझे बताया गया है, कंगना रनौत ने इस चीज के लिए माफी भी मांगी कि मेरा ऐसा मैं जो मैंने कहा है वो गलत है। तो अब देखिए पंजाबी का इसे का हृदय देखिए, एक मिनट के अंदर अंदर कहा कि नहीं प्रिय हमारी बेटियां जाए, तो मैं समझता हूँ कि उसको भी ये महसूस होना चाहिए कि जो लोग इतने बड़े दिल के हैं उन लोगों के साथ इस तरह की, और इससे एक जहर फैलता है समाज के अंदर, हिंदू सिख या सरकार इस तरह का जो जहर फैलाने का काम है, मुझे लगता है वो कलाकारों को ये काम नहीं करना चाहिए, बल्कि एक संदेश आपसी भाईचारे का देना चाहिए, जो कि कंगना का शुरू से गलत रहा है। वो ऐसे बयान हमेशा देती हैं जिससे कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी होती है और जिसमें आपसी धर्मों के अंदर फूट पड़ती है। जी सिसर जी, अब आप बीजेपी में आ गए हैं और पंजाब में चुनाव भी हैं, और आपने किसान को कहते हुए सुना था जो वहां पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि बीजेपी के शह पर ये हो रहा है, कितना राजनीतिक नुकसान इस बयानबाजी से या बीजेपी को किसानों के मुद्दे को लेकर हुआ है पंजाब में, क्या आंकलन आपका? देखिए मैं बार बार ये बात को कहता रहा हूं कि जो बयान कोई भी देता है वो एक पार्टी का असर करता। मान लीजिए किसी भी पार्टी के एक प्रवक्ता ने अनऑफिशियल तौर पर भी जो पार्टी के साथ संबंध रखता है उसने कोई बयान दिया, तो लोग उसके बयान को नहीं देखते ना, उसको देने वाले को नहीं देखते, उस बयान को देखते हैं, और फिर वो बयान जो है बड़े से बड़े लीडर के साथ जोड़कर बताया जाता है। तो कंगना रनौत ने जो भी कहा, जैसे अभी आपने किसानों के मुंह से भी सुना है, ये कभी बीजेपी का बयान नहीं है, लेकिन कंगना रनौत जो कि बीजेपी के नाम से वो बयान देने की कोशिश की या उसने प्रधानमंत्री को ऐसा संबोधित करने की कोशिश की, तो मैसेज ये दिया गया कि जैसे मैं आपकी चिंता कर रही हूं, बीजेपी पार्टी की चिंता कर रही हूं, तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी को ऐसे लोगों की चिंता करने की जरूरत है। वो अपना घर संभाले, वो अपने जो काम में लगे उसको संभाले, उससे पार्टी का नुकसान होता है और क्षति इतनी होती है कि वही जहर जो है बाद में जहर बनकर लोगों को परेशान करता है। मैंने तो देखा है अभी कि यही कारण इतने समय से रहा। जी सिसर जी, आपने किसानों के आंदोलन के दौरान बहुत किसानों की मदद की है, आज राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि सरकार ने कहा हमारे पास जो किसान भाई उनकी मौतें हुई उनका आंकड़ा ही नहीं है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो कह रहे पंजाब में हमारे पास लिस्ट है, हम दे देते हैं लिस्ट। अच्छी बात है, मैं राहुल गांधी जी को बड़े निम्रतापूर्वक आग्रह करके कहता हूँ, जब लिस्टें भी आपके पास है, नाम भी आपके पास है, पंजाब सरकार भी आपकी है, तो आप उनके साथ क्यों अनजस्टिफाई करते हैं? उनको आप मुआवजा दीजिए। जब आप उसको सारी जानकारी है तो फिर आप करते क्यों नहीं? मैं राहुल गांधी जी को एक बात याद कराना चाहता हूं, जब देश के अंदर पहली ऐसी स्थिति खड़ी हुई थी तो आपने तोपों और टैंकों से हमारे पे हमला किया था। मैं आपको लिस्ट दे देता हूं, वो तकरीबन 4500 लोगों के नाम की लिस्ट मेरे पास अभी है, वैसे 8000 लोग थे पहले। आप ये सोच लीजिए कि आपने 1984 में जिन लोगों के साथ सब कुछ किया उनकी लिस्ट आपके पास क्यों नहीं है? जिन लीडरों ने काम किए, कत्लेआम किया, उनकी लिस्ट आपके पास क्यों नहीं है? मुझे बड़ी हैरानगी है कि किसानों का मुद्दा है जी। मैं जब टीवियों पे आकर बोलता था, अगर आपको याद हो नीति जी, मैं बार बार कहता था मैं किसान का बेटा, मैं किसान के बेटे के हक के लिए खड़ा, मैंने भी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ने इतनी निम्रतापूर्ण इस मसले को निपटाया, आज इन लोगों की दुकान बंद हो गई है। कांग्रेस को लगता था ये तो इलेक्शन का मुद्दा है, या बाकी पार्टियों को लगता था, अब वो उनको बधाई नहीं देनी चाहिए। जब वो कहते थे 3 बिल रद्द करो तो उनको आज बधाई नहीं देनी चाहिए इस बात की। मैं आपको ये बात याद कराऊं, जिस दिन लोकसभा के अंदर ये बिल आ रहा था रिपील के लिए, तो वो बैनर लेके खड़े थे, अगर आपको याद हो, ANI ने फोटो चाहिए, बैनर लेके खड़े थे, तीनों कानून वापस लो। तो मेरे भाई तुम ही तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कानून वापस हो गए ना, तो अब आइए। चलिए सिसर, आप जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया, और वाकई अब जिस तरह से अब समझ सकते हैं हम कि किस तरह से किसानों का जो मसला है, जो कृषि कानूनों का मसला है, अब पंजाब में किस तरह से इस पर सियासत होगी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो किसानों के मुद्दे पर आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार को घेरा। सरकार द्वारा किसानों की मौत के आंकड़े ना होने पर उन्होंने कहा है कि यह मुआवजा सरकार देना ही नहीं चाहती, और पंजाब सरकार के पास 403 किसानों और 100 अन्य के नाम है। आइए सुनते हैं क्या कहा है। पंजाब के सरकार के पास 403 नाम है, उनको हमने 5 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया है, तो यह तो लिस्ट है। सरकार यहां कह रही है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो ये हमने लिस्ट उनको पकड़ा दी कि लीजिए 500 नाम है, बाकी जो बचे हैं
वो पब्लिक रिकॉर्ड से हमारे पास है, उसको वेरीफाई करके 700 लोगों को ये कॉम्पेंसेशन दे दें। बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी मौजूद हैं। नीरजा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये क्या आंकलन है आपका, जो ये राहुल गांधी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इतनी देरी से वो उन्होंने ये मसला उठाया, लेकिन किसानों का मसला है, बहुत अहम है कांग्रेस के लिए, क्या देखती है, कितना फर्क पड़ा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से? देखिए, बात तो उन्होंने ठीक की है, 700 किसान मरे हैं, ये तो बार बार मीडिया भी कह रहा है और लोग भी कह रहे हैं। इसका इसको मतलब वेरीफाई करना चाहिए, एक एक का फैमिली का रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर कांग्रेस के पास पंजाब में है, हालांकि दो आंकड़े दिए राहुल गांधी ने, पहले कहा 403 फिर कहा 500, खैर जो भी आंकड़ा है, उन्होंने कहा मुआवजा 5 लाख का उनको दिया जाएगा, और सेंटर को भी ये करना चाहिए। तो ठीक बात ही उठाई है, किसान तो ये उठा ही रहे हैं बात, प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा कदम किया कि रिपील कर दिए लॉज को, लेकिन किसानों की मांगे और भी हैं, पर मुआवजे को लेके, केसेस को लेके तो तुरंत सरकार को मूव करना चाहिए। तो मैं मानती हूँ ठीक मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने, कि याद दिलाया कांग्रेस की तरफ से कि ये करने की जरूरत है, और उनकी पार्टी पंजाब में क्या करेगी। इलेक्शन का मुद्दा तो जबरदस्त है, ये पंजाब में कांग्रेस के बहुत बड़े स्टेक्स हैं, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी ये बहुत जबरदस्त मुद्दा है, यूपी में कांग्रेस के स्टेक्स नहीं है, तो लेकिन हरियाणा में आगे जाके चुनाव होंगे, तो ठीक, मैं जैसा मैंने कहा, ये तो हर पार्टी को उठाना ही चाहिए ये मुद्दा। मैं आपसे समझना चाह रही थी, हाल में जिस तरह से आपने तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के बयान सुने होंगे, और प्रियंका गांधी लगातार किसानों के मुद्दे को उठा रही है, वो जहां जहां पर रैली कर रही हैं इस मुद्दे को जरूर उठा रही हैं, महिलाओं के मुद्दे को उठा रही हैं, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड अप, जब जिस तरह से सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए, क्या धार इस वार की कम हो गई या इसका गुस्सा, क्योंकि अभी हमने किसान को सुना होगा पंजाब में, जो आप देख रहे थे, अभी आप सुन रहे होंगे, कि किसानों का गुस्सा बरकरार रहेगा या धार कम हो गई है? देखिए, किसानों के यूनियन का मुझे नहीं लगता वो आसानी से बदलेंगे, लेकिन आम किसान है, हो सकता है लोग कहें देखो भाई ले तो लिया वापस, कंफ्यूजन हो सकता है लोगों में, लेकिन फिर भी जो वेस्टर्न यूपी से फीडबैक आ रहा है और जो ऑपोजिशन पार्टीज की मीटिंग हो रही है, आरएलडी की मीटिंग हो रही है, जिन्होंने किसानों के साथ वो खड़ी रही है पार्टी, अखिलेश यादव की मीटिंग, तो उसमें उतना उत्साह है जो बहुत समय से देखा नहीं गया है मीटिंग्स में। कई लोग तो मुझे बता रहे थे वेस्टर्न यूपी में 20 साल से इतना एक्साइटमेंट नहीं है मीटिंग में आरएलडी की। अब उसका असल वोटों में परिवर्तित होगा कि किस हद तक परिवर्तित होगा, ये तो देखने लायक बात है, अगले सप्ताहों में हमको पता लगेगा। देखना होगा कि कितने दिलचस्प होते जा रहे हैं चुनाव। आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और लगातार इस तरह के विश्लेषण हम लोग करते रहेंगे, और क्योंकि चुनाव करीब आ रहे हैं तो सीधे देश की बात में आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि गन्ना किसानों का 90% भुगतान हो चुका है, लेकिन खुद बीजेपी के विधायक अब सरकार से गन्ना किसानों के बकाया भुगतान भरने की मार्मिक अपील कर रहे हैं। शामली के बाद अब लखीमपुर खीरी से रिपोर्ट। महाराज जी, आपको प्रणाम करता हूं। आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे यहां बाढ़ आई थी, बाढ़ से किसान बिल्कुल टूट चुका है, सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। अब अगर उसका भुगतान गन्ने का नहीं होगा तो किसान जीने लायक नहीं रहेगा। लखीमपुर खीरी के गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए बीजेपी के पलिया के विधायक हरविंदर उर्फ रोमी सहनी को योगी आदित्यनाथ से मार्मिक अपील तक करनी पड़ी। किसान धरने पर हैं, किसान आक्रोशित हैं। जबकि 4 साल पहले खुद प्रधानमंत्री ने लखीमपुर खीरी के गन्ना किसानों के बकाये को लेकर उस वक्त की अखिलेश यादव सरकार पर जमकर निशाना साधा था। हमारे किसानों का पसीना मीठा हो जाता है, स्वीट हो जाता है, स्वीट हो जाता है, ऐसे गन्ने की ताकत है यहां। लेकिन भाइयों बहनों, गन्ना किसानों का बकाया चुकता करने में अखिलेश जी आपको कौन रोकता है? किसान
लेकिन चार साल बाद शुक्रवार की ये तस्वीर लखीमपुर खीरी के किसानों की ही है, जो अपने बकाए के लिए चीनी मिल के बाहर धरना दे रहे हैं और पुलिस मिल की सुरक्षा में लगी है। जिले में 9 चीनी मिले हैं, 5 चीनी मिलों पर किसानों का 700 करोड़ रुपए का बकाया है। इनमें गोला चीनी मिल पर 274 करोड़, पलिया चीनी मिल पर 266 करोड़, खंभार चीनी मिल पर 171 करोड़, जबकि कोऑपरेटिव चीनी मिल पर 90 करोड़ रुपए का बकाया है। सैकड़ों किसान का शादी ब्याह, पढ़ाई, तमाम तरह की आगे फसलें बोनी है, उस तरह की समस्याएं हैं जिससे हम किसान भुखमरी की कगार पर आ गए। अब हमारे पास आंदोलन के सिवा कोई और रास्ता नहीं। लेकिन राज्य सरकार का दावा है कि सरकार गन्ना किसानों का 90% भुगतान कर चुकी है, लेकिन लखीमपुर खीरी ही नहीं, खुद गन्ना मंत्री सुरेश राणा के जिले में गन्ना किसानों का 300 करोड़ रुपए का बकाया है। अब दिखाने के लिए सरकार की तरफ से लखीमपुर खीरी और शामली के चीनी मिल के खिलाफ मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों की समस्या नहीं हल हो पा रही है। लखीमपुर खीरी से रविश चंद्र शुक्ला, NDTV इंडिया। देश की बात में खबर महाराष्ट्र से। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में लोगों को प्रोत्साहित करने के मकसद से एक लुभावनी योजना शुरू की गई है। टीका लेने वाले लोगों को टीवी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन जैसे पुरस्कार जीतने का अवसर दिया जा रहा है। योजना शुरू होते ही जिले में 250% वैक्सीनेशन बढ़ा है। टीका लगवाने वालों को मिल रहा है टीवी, वॉशिंग मशीन और फ्रिज जैसे कई इनाम जीतने का सुनहरा मौका। टीका लेने के बाद इन दो बक्सों में लोग अपनी पर्ची डाल रहे हैं और 27 दिसंबर के इंतजार में हैं, जब लकी ड्रॉ होगा। ये योजना 2 दिसंबर को शुरू हुई है और एक दिन में ही टीका लेने वालों की संख्या 250% तक बढ़ गई है। हिंगोली नगर पालिका की ओर से बम्पर लसीकरण ड्रॉ यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत लसीकरण लेने वाले व्यक्ति के लिए 27 तारीख को हम लसीकरण का ड्रॉ खोलने वाले हैं। उसमें जिसका भी नंबर लगेगा वो फर्स्ट जो प्राइस है उसको 50 इंच का LCD टीवी हम दे रहे हैं, दूसरा एक रेफ्रिजरेटर और तीसरा प्राइस हमने एक वॉशिंग मशीन रखा है। इसके अलावा 5 मिक्सर ग्राइंडर हमने उसमें कंसोलेशन प्राइस करके रखे हैं। योजना शुरू करने के पहले 350 से 400 लसीकरण हो रहा था शहर में, और कल से जब से हमने योजना शुरू की है हमें 1400 से ऊपर हमारा लसीकरण हो रहा है। महाराष्ट्र के इस हिंगोली जिले में अब तक टीके के पात्र लोगों में से 75% ने पहली खुराक ली है और 55% ने दोनों डोज ली हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण डर से ज्यादा यहां चल रहे ऑफर ने लोगों को टीकाकरण केंद्रों की ओर खींचा है। हिंगोली से कन्हैया खंडेलवाल के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। देश की बात में खबर दिल्ली से। देश की राजधानी में आपको बता दें, दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना आज शुरू हो रही है। 2 साल पहले इसका ऐलान हुआ था और आज पहली ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हो रही है। दिल्ली में लगभग 2 साल के अंतराल के बाद मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू हो रही है, और इस बार जो योजना शुरू हो रही है ये सीधा अयोध्या से हो रही है, यानी कि दिल्ली से तीर्थयात्रियों का जत्था जो है वो आज अयोध्या के लिए निकलेगा। यहाँ पर तीर्थयात्री जो हैं, जो दिल्ली के बुजुर्ग नागरिक हैं असल में, वो आने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा माहौल दिखाऊँ कि ये देखिए, सबसे पहले तो इस तस्वीर को देखिए, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है या आम आदमी पार्टी जो है वो अरविंद केजरीवाल को, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को श्रवण कुमार के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। कमल बंसल है मेरे साथ में, तीर्थ यात्रा विकास समिति के अध्यक्ष हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। 2 साल के अंतराल के बाद में ये योजना शुरू हो रही है, किस तरह से ये तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी, कितने लोग हैं
और क्या क्या सुविधा है इसमें? अभी तक 5,000 लोगों ने एप्लीकेशन दे दी मुख्यमंत्री जी। ये अयोध्या के लिए? अयोध्या के लिए 5,000 एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी आज 7 बजे आएंगे, पहली ट्रेन 7:05 पे जाएगी। 1,000 यात्री अयोध्या के श्री रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, और इसमें ये सारी यात्रा मुफ्त है, क्या क्या इसमें मिलता है? हम घर से लेके घर वापस छोड़ने तक सारी अरविंद केजरीवाल जी की जिम्मेवारी है। सफदरजंग स्टेशन है जहाँ से ये विशेष ट्रेन निकल रही है, और ये देखिए लगभग 1,000 लोगों को जो है आज यात्रा के लिए ले जाया जा रहा है। ये सभी बुजुर्ग नागरिक हैं, यानी कि 60 वर्ष से ऊपर की इनकी उम्र है, और अच्छी खासी संख्या में साथ में इनके अटेंडेंट भी जाते हैं। फिलहाल सब जल्दी से जल्दी उस ट्रेन में बैठ जाना चाहते हैं जो इनको अयोध्या भगवान श्री राम के नगरी में ले जाएगी। ये जो श्रद्धालु हैं ये जा रहे हैं, और कोविड काल में जो यात्रा बंद हुई थी वो आज 2 साल के अंतराल के बाद शुरू हो रही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। देश की बात में खबर है बिजनौर से, उत्तर प्रदेश के। यहां के बिजनौर में 1,16,00,000 में बनी सड़क की असलियत उद्घाटन वाले दिन ही सामने आ गई है। अब नई सड़क का उद्घाटन करने के लिए सदर की बीजेपी विधायक सुची चौधरी पहुंची। महिला विधायक ने सड़क पर नारियल फोड़ा, और नारियल तो नहीं टूटा, बताया जा रहा है सड़क टूट गई। अब ये तस्वीरें वहां से आई हैं, बिजनौर की हैं, विधायक जी हैं यहाँ पे, और ये जो खबर है अपने आप में, क्योंकि उद्घाटनों का सिलसिला है, चुनावी दौर है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि इस तरह से इतनी महंगी सड़कें बनती हैं और इतनी कच्ची खराब स्थितियां होती हैं। बहरहाल इसी खबर के साथ देश की बात में इतना ही, नमस्कार।